मैं थोड़ा सा अपने मन की बात कहूँगी, फिर ये भजन सुनाऊंगा। बस ये 10 मिनट का समय चाहिए। मैं बिल्कुल पौराणिक परिवार से आई थी, और मेरी शादी हुई 13 साल 4 महीने के दिन जब मेरी शादी हुई। उसके बाद मुझे आर्य समाज मिला और मैंने इतना पसंद आया कि मैं सब कुछ भूल गई। वो पूजा मुझे बहुत अच्छा लगा। और आज मेरा परिवार आधा भी नहीं आया। 3 लोग मुझसे बड़े हैं, जेठ मेरे, और 3 मुझसे छोटे हैं, और वो मेरी जेठानी बैठी है, और ये मेरे सब बच्चे बैठे हैं। दामाद भी यहाँ आएगा, पर आधा परिवार नहीं है मेरा। जब मेरा पूरा परिवार आता तो इस पंडाल में आएगा भी नहीं। इतना अच्छा परिवार मुझे मिला, इतना अच्छा परिवार कि मैं गदगद हो गई। और मेरे बहुत प्यार करते थे मेरे माता जी, पिताजी, माँ बाप से भी ज़्यादा। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। अभी मेरे जैसा परिवार शायद किसी का नहीं है। अभी इस जमाने में मेरे जैसा परिवार नहीं है। और मेरे लड़के नहीं है, मेरे बेटे हैं, और बेटे भी नहीं, मेरे पुत्र हैं, बल्कि और सुपुत्र हैं मेरे। मेरा परिवार मेरी बहू है, मेरे बहन, मेरे सब लोग हैं, मेरे समधन समधन सब आए हुए हैं। मैं आज सौभाग्य, परम सौभाग्य मेरा प्रभु कृपा जिनने अपने को मिला। मुझे नहीं पता मेरी शादी कैसे हुई, मुझे कुछ भी ध्यान नहीं है। आज मुझे मेरे बच्चे जैसे मेरी बारात में आए हुए हैं, मुझे सब कुछ अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी सबसे प्रार्थना करती है, हे प्रभु, सबके जीवन में ये दिन आए, सब दीर्घायु हो और सब आनंद से रहे, जैसे मेरा परिवार और मेरा बच्चे और आप लोगों का प्यार सब लोगों का देख के बहुत ही मुझे मन मेरा खुश होता है। और बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं थोड़ा सा भजन बना रही हूँ भक्ति का। ये मेरे देखो, ये भानु जी बैठे हैं, अगर मैं भूल जाऊँ तो कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा हाँ पूरी है। मेरा ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आगे का जितना भी मेरा जीवन है वो बहुत ही सही कामों में बीते, और इसी तरह स्वाध्याय सत्संग सेवा में सबके समाज में मुझे बहुत बहुत। ये मेरी बहन है, मेरे पास बेटी नहीं है, मगर मेरी इतनी बेटियाँ, बेटी से भी ज़्यादा मेरी बहन है मुझे। और मेरे बहन भी बैठे, सारा परिवार मेरा भी आया भी नहीं है। बहुत बड़ा परिवार है मेरा, मैं बहुत सौभाग्य करती हूँ। पर मेरी सास भी नहीं है, मेरी माँ भी नहीं है, तो मेरी ननद ऐसी नहीं थी जो मेरी बहन से भी ज़्यादा चाहती थी, तो वो भी आज मेरे बीच नहीं है। दोनों मन में मुझे बड़ा दुख होता है। चलो जो ये ईश्वर के आधीन है, ये सब बात ना करिए। चलो मैं एक भजन सुनाती हूँ, शायद भूल भी जाऊँ तो क्षमा करना। मुझे अपनी भक्ति कर दो प्रभु, मैं आई तुम्हारी शरण में प्रभु। मुझे अपनी भक्ति कर दो प्रभु, मैं आई तुम्हारी शरण।
इनके पिताजी की दादी थी गांव में एक साल पहले हुई थी। मैं उस समय ट्रेनिंग करके आया था सन 70 में। मैं भर्ती हुआ था इस विभाग में और मैं क्या था तो मैं वो जवानी का आना मुझे याद है। कितना स्मार्ट था और कितना मतलब हिरन भी मेरे मुकाबले नहीं दौड़ पाता था, इतना मैं एक्टिव रहा हूँ अपने जीवन में। तो भैया पापा की दादी में गया था, ये भी कहीं भावना पर आई होगी। इन्होंने भी एक नजर में डाली होगी मेरे पे, समझे। इन्होंने अपनी मम्मी से कहा था मम्मी एक लड़का बहुत सुंदर लड़का खड़ा है। इनके चाचा जी ने पढ़ाया था बबराना में मास्टर रामा शंकर जी ने। तो शादी की चर्चा हुई तो उनके बड़े भाई नायक है, उनके पापा थे मास्टर बिथललाल जी, कैबिनेट मंत्री थे, उससे चौधरी चरण सिंह की गवर्नमेंट मिल गई थी। तो वो मुझे थाना सिविल लाइन में मुंशी था सन 72 में। तो उन्होंने मुझे बाहर बुलाया था तो देखा था तो मास्टर साहब संग थे। तो उन्होंने बताया भाई लड़का अच्छा है तरक्की कर जाएगा। तो भैया मेरी शादी इनके साथ हुई तो जब से हमारा जीवन अब मैं अधिक आप बहुत कुछ सुन रहे हैं और